जब लक्ष्मण मूर्छा पर भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी के दोनों हाथ जुड़ गए थे, अरे गए तो बूटी लेने थे, पर तुम्हें समूचा एक हाथ में उठाकर आकाश में उड़ गए थे, पर तुम्हें समूचा एक हाथ में उठाकर आकाश में उड़ गए थे। आपसे मैं 32 जने आज मीडिया के आए हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया ये मैसेज जन तक पहुंचाइए, एक एक आदमी तक पहुंचाइए ताकि वो उसका भागीदार बन सके। आज की तारीख में अगर हम मल्लम लगा सकेंगे तो वो आपके कारण ही लगा पाएंगे कि आप ये नंबर हमारे को वहां तक पहुंचाए। सर एक नंबर बोल दीजिए बस, ताकि हाँ एक नंबर लिख लीजिए, लैंडलाइन नंबर लिख लीजिए 0114706523। फिर दोबारा बोल रहा हूँ 0114706523। इस नंबर को दे दीजिए, बाकी काम कार्यालय अपने आप काम करते हैं। सुविधा गुप्ता जी, रामाबू जी, मंच पर बैठे हुए सभी और मंच के सामने बैठे हुए अग्र बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज भारी बरसात के बावजूद भी काफी संख्या के अंदर यहाँ पे अग्रसेन जयंती मनाने के लिए और इस परिचय सम्मेलन में जो लोग शामिल हुए हैं, मैं आप सभी को बालाजी अग्रसेन जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और परिचय सम्मेलन के सफलता की मेरा शुभाशीष है। बालाजी अग्रसेन एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया के अंदर समाजवाद का उदाहरण हजारों वर्ष पहले सबसे पहले पेश किया। अग्रोहा नगरी के अंदर एक ऐसा स्थान था जहां पर समता का भाव था, उस नगर को बनाने के लिए महारानी माधवी और महाराज अग्रसेन ने मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से चुना। जब भगवान शिव की आराधना की इंद्र के प्रकोप के विरुद्ध और भगवान शिव ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और ये कहा कि मां लक्ष्मी की भी पूजा करो और एक ऐसे नगर को बसाओ कि आपकी कीर्ति आने वाले हजारों वर्ष तक की कीर्ति रहेगी। अग्रोहा बसाने के बाद महान क्षत्रिय योद्धा ने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म धारण किया और उन्होंने कहा कि भूमि पे साम्राज्य करने से बढ़िया है दिलों पे साम्राज्य किया जाए। तब से आज तक वैश्य अग्रवाल वैश्य आपको दुनिया के कोने कोने में मिलेंगे, परंतु हम कहीं भी हमारे गांव नहीं होते, बहुत समूह में नहीं रहते, हर गांव के अंदर 2, 4, 5, 10, 20 घर और वो ऐसे रहते हैं जैसे सख्त दांतों के बीच में जीव। देश के अंदर और पूरे विश्व में अग्रवाल समाज ने भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने न सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं बल्कि देश के अंदर तरक्की हो, धार्मिक रूप से संस्कृति को बढ़ोतरी हो, उसके लिए काम किया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन को इकट्ठा करने की जरूरत क्या पड़ रही है? कोई भी मानवीय संगठन समाज में मदद सामाजिक प्राणी है और सामाजिक रूप से एकजुट होता और समाज को आगे लेकर जाना देश हित में समाज हित में होता है और इसीलिए अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन काम कर रहा है।